हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। मेरे ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं नहा चुकी हूं और नहा धो के मैंने किया था आईज का मेकअप। और ये आईज का जो मेकअप है मैंने आप लोगों के लिए ही किया है, क्योंकि मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया है और वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी मैं इसे शेयर करूं। तो जैसा आप मेरी आईज देख सकते हैं, मैंने लगाया है सिल्वर कलर का ग्लिटर आईलाइनर और ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जैसा आप देख सकते हैं कि सिल्वर कलर लगा के जो है आईज मेरी बड़ी बड़ी सी लग रही है। वैसे मेरी आईज छोटी छोटी सी हैं, तो सिल्वर कलर का मैंने लगाया है यहाँ पे ग्लिटर आईलाइनर। तो मैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आपको बताती हूँ कि कौन सा ये ग्लिटर आईलाइनर है। तो फ्रेंड्स, ये है स्विस ब्यूटी का ग्लिटर आईलाइनर। बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। और जैसे कि अगर आप अपने आईज पे व्हाइट कलर का मेकअप करते हैं, काजल लगा लेते हैं या फिर लाइनर, तो आपकी आईज लगती है बड़ी। तो इसलिए मैंने ये मंगाया था, स्विस ब्यूटी का है। तो ये मैंने एक ही नहीं मंगाया है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मंगाए हैं, कॉम्बो मंगाया है इनफैक्ट। और ये देखिए, जैसा आप देख सकते हैं ये है चार कलर। और इसमें मैंने वैसे पांच का कॉम्बो मंगाया था, लेकिन ये जो ब्राउन है ये दो कलर, दो शेड्स ब्लैक की जगह ब्राउन दो आ गए थे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं सारे के सारे कलर्स, और आईज पे बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं और बहुत ज्यादा स्टनिंग लुक आता है। तो अगर आप किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हो तो ग्लिटर आईलाइनर जो है आपकी मेकअप को एक डिफरेंट लुक दे देता है। और अगर आप नॉर्मल भी लगाते हैं, यानी गोल्डन लगा लेते हैं, सिल्वर, अगर स्लीक लाइन आप लगाते हैं लाइनर में, तो ये नॉर्मली भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ब्यूटी का ये ग्लिटर आईलाइनर कॉम्बो जो मैंने मंगाया है, ये पांच का सेट मंगाया था और ये मुझे पड़ा था 682 रुपीज का। अगर आप मार्केट में इससे परचेज करते हैं तो ये 999 रुपीज का कॉम्बो आपको पड़ेगा। इसमें फाइव शेड्स आपको मिलेंगे। तो ये स्मच प्रूफ और मैट फिनिश में है, और साथ ही इसका पॉलीमर और पिगमेंटेशन काफी हाई है। तो ये वाटर प्रूफ रिजल्ट आपको देता है, बहुत ही ज्यादा स्टनिंग आपकी आईज में लगता है। तो इसे लगाना बहुत ही ज्यादा ईजी है, क्योंकि इसके जो ब्रशेस हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है और बहुत ही जल्दी आपकी आईज में अप्लाई हो जाता है, बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाता है। और साथ ही जो है इसे रिमूव करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ये स्मच प्रूफ है, बिल्कुल भी फैलता नहीं है आईज पे, बहुत जल्दी सूख जाता है। और पोर्टेबल साइज है, इजी टू कैरी है। तो इसके स्वाचेस भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हैं इसके स्वाचेस, और जैसा आप देख सकते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि ग्लिटर आईलाइनर है लेकिन मैट फिनिश है, तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरती आपकी आईज में लगने वाला है। और साथ ही फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, और ये प्रोडक्ट मेरा अपना खुद का है और ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं इसकी रिव्यू शेयर करूं, ताकि अगर आप लोग कोई ग्लिटर आईलाइनर ढूंढ रहे हो तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैंने स्विस ब्यूटी ब्रांड के ये दो नेल पेंट्स भी लिए थे, गोल्डन में और सिल्वर में। और ये भी हाई शाइन वाले हैं ग्लिटर्स नेल पेंट, और ये 12 ml का बॉटल है। और ये मैंने ऑफलाइन लिया था, मार्केट गई थी मैं, जैसा मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था अपने, कि मैं तिलक नगर मार्केट गई थी, तो वहां से मैंने ये परचेज किया था। और ये मुझे ऑफर में बाय वन गेट वन मिला था, 199 रुपीज़ का, यानी कि 100 100 रुपीज़ का मिला था। आई डोंट नो इसका प्राइस ऑनलाइन कितना है, मुझे नहीं पता। तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज्यादा सुंदर जो है हाथों पे लगते हैं। और जैसा मैंने अपने पैरों में लगाया, तो मैं अपने पैरों के नेल्स दिखा देती हूँ। तो ये इस तरीके के शाइन दे रहे हैं, और 2 3 दिन हो गए मुझे इसे लगाए हुए, तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो मुझे ग्लिटर वाले नेल पेंट्स बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, और आजकल पता नहीं कि मुझे ग्लिटर वाली हर चीज पसंद आती है। तो मैंने ग्लिटर का लिया है ये लाइनर पेंसिल और ये नेल पेंट, जो कि मुझे पसंद आए हैं। तो गोल्डन और सिल्वर तो आपके पास होना ही चाहिए नेल पेंट में। तो ये हैं दो नेल पेंट्स। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो आईब्रो पेंसिल मैंने अपनी आईब्रोज पे अप्लाई की है उसके बारे में आपको बता दूं, तो वो भी मैंने स्विस ब्यूटी ब्रांड का लिया है। ये ब्रांड पता नहीं कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, अफोर्डेबल भी है, और सबसे बड़ी बात कि इसके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो स्विस ब्यूटी के पता नहीं क्यों प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है पेंसिल डार्क ग्रे कलर का, जो कि मेरी आईब्रोज के लिए सूट करता है मुझे। तो फ्रेंड्स, ये जो पेंसिल है ये मेटालिक फिनिश में है और ग्लॉसी अपीयरेंस देती है, और साथ ही जो है ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और स्मूथ है, और वन स्ट्रोक में ही ये बहुत अच्छे से आपकी ब्रोज पे अप्लाई हो जाती है और बहुत अच्छा लुक देती है, जैसा आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज। तो मुझे ये डार्क ग्रे कलर अपनी आईब्रोज के लिए बहुत ज्यादा पसंद आता है। वैसे ब्राउन कलर भी मेरी ब्रोज में सूट हो जाता है, लेकिन मुझे डार्क ग्रे ज्यादा पसंद आता है। तो ये पेंसिल आपको अराउंड 60 70 रुपीज की मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, एक और प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है ये व्हाइट कलर का आई पेंसिल, यानी कि काजल कह लीजिए। तो व्हाइट कलर का काजल ये है मैक का, जैसा आप देख सकते हैं मैक। तो ये काजल भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। और ये जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन पे सर्च किए हैं, बहुत ज्यादा आरएनडी की है मैंने इन प्रोडक्ट के बारे में, और ये देखा है कि किस प्रोडक्ट
को की रेटिंग क्या है, किस प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी है, किस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज अच्छे हैं, वही प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो ये मैक का काजल जो है मैंने अप्लाई भी किया है और इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। और मैं भी आपको बता दूं कि ये जो पेंसिल है बहुत ही ज्यादा अच्छी है, सेफ प्रोडक्ट है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है ये, और स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। तो ये आई पेंसिल जो कि व्हाइट कलर का है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है, व्हाइट कलर का काजल जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आपने देखा होगा जिनकी आईज छोटी छोटी होती है वो व्हाइट कलर का काजल लगाना प्रेफर करते हैं ताकि उससे जो है आईज बड़ी बड़ी लगे। तो मैंने इस टाइम पे लाइनर लगाया है, सिल्वर कलर का या व्हाइट कह लीजिए, तो इसलिए मैंने नीचे जो है काजल लगाया है। लेकिन जब मैं इस पेंसिल को लगाती हूँ, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा है और साथ ही जो है ये इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आप इसे जब एक या दो बार अपनी आईज पे अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी शाइन फिनिश देता है व्हाइट कलर की। तो ये काजल कन्वीनियंटली आपकी आईज पे अच्छे से लग जाता है और बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी लुक भी देता है आपको, बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लुक देता है। और ये मैक ब्रांड का है जैसा मैंने बताया। और फ्रेंड्स, अगर आप इस काजल को लेते हैं तो इसके साथ आपको आईलैशेस फ्री मिलती है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैक की आईलैशेस जो है इसके साथ मुझे फ्री मिली है, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये काजल जो है आइकॉनिक है और लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये आप, तो अगर अभी तक आपने व्हाइट कलर का काजल ट्राई नहीं किया है तो एक बार व्हाइट कलर का काजल जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लुक देता है आपके फेस पे। और सही बताऊं तो जो आपकी एज है ना वो भी कम लगने लगती है, आप का फेस बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। तो व्हाइट कलर का काजल आप अगर अप्लाई करते हैं अपनी आईज पे तो इससे आपकी आईज, जैसा मैंने बताया कि आपकी आईज बड़ी भी लगती हैं और आपका जो फेस है ना बहुत ज्यादा क्यूट भी लगता है, जो आपका मतलब एक्चुअल जो आपका नेचुरल लुक है जो वो निखर के आता है सामने। तो ये काजल जो है बेस्ट लगता है मुझे व्हाइट कलर का। तो जब मैं हैवी मेकअप करती हूँ अपनी आईज तो मैं व्हाइट कलर का काजल अप्लाई करना ही पसंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तीन प्रोडक्ट्स थे मैंने आपको बताए जो मुझे लग रहा था कि मैं आपसे कब शेयर करूँ कब शेयर करूँ। तो यही था आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल पूजा रियल व्लॉग्स को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।